गुड मॉर्निंग, 4th of July, डे 4, और आज 4 बैठे हैं। वेलकम टू माई चैनल। और पता है, आज तो सुबह से इतना आलस आ रहा है, अभी टाइम हो रहा है 6:30। सुबह का साथी पतंजलि दंतकांति, नॉन पेड प्रमोशन, मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। मामाअर्थ, 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 और भी घर के कई कोनों में मामाअर्थ का कुछ ना कुछ तो रखा ही होगा। मयंक ने दीक्षा का नंबर मामाअर्थ और मेरा नंबर पापाअर्थ के नाम से सेव किया हुआ। कल रात को खाना नहीं खाया था, तो कल की सब्जी आलू पनीर और कुलचे, ये आज का ब्रेकफास्ट। रात की दाल बड़ी सही लगती है, अगर वो गर्म ना की जाए ना, तो रात की दाल बड़ी स्वाद लगती है ब्रेड के साथ खाने में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ा काम करने से ब्रेक निकाल के अब मैंने ये देखा, मैं अकेले एक नोट पे 30 बार लिखा हुआ है 500 रुपये। टाइम हो अगर हाथ में तो बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता, मैंने ये ढूंढ के निकाला। गर्मियों में कहीं पर भी जाओ, पता कितना कंफर्टेबल होके जाओ, इतना ये सामान थैले में डाल दो। तो मम्मी है ना, मम्मी अपना मंदिर हमेशा दीक्षा से ही पेंट कराती है। आज हम जा रहे हैं मम्मी का मंदिर पेंट करने। सारा जाम इस बस ने लगा रखा है, लंगर चला। अरे भाई, चलता रोड है उस पर ये बस खड़ी कर रही है और फिर दे भी नहीं रहा है। दीक्षा साफ करने वाली बढ़िया से एकदम। बिफोर हो गया, आफ्टर होगा, जब होगा तब बता दो। मुझे मम्मी ने अभी बताया कि ये मंदिर ना 2004 में लिया था, यानी कि इसको 18 साल हो गए। कुछ चीजों के साथ जब इमोशन जुड़ जाते हैं ना, दैट इज सेकंड टू नन। अंश और मैं भी यही बात कर रहे थे कि जब से हमने गूगल UPI, गूगल पे, एक्चुअली पेटीएम भी नहीं, गूगल पे स्टार्ट किया, मतलब ऐसे खर्चा कर रहे हैं हम जैसे कि गूगल खर्चा कर रहा है, हमारा पैसा ही नहीं है। नोटों का सिस्टम वापस लाओ। अंश को बोल रहा था कि यार मेरा गूगल पे चल रहा है, इसे बंद करवा दे। दीक्षा घर पे काम कर रही है, तो मैं उसके लिए चाय, उस पे चाय लेने आ गया। तो LIC की बिल्डिंग के सामने हम बस खड़े हुए हैं, पार्किंग लाइट ऑन करके बस गाड़ी बंद करके खड़े हुए हैं। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना हमें, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी में, धक्का मार के इस गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप। गर्मी तो बहुत ज्यादा गर्मी। 2 seconds later. Okay, bye. मैं चलता हूँ ये सारा सामान लेके घर पे और वापस आऊंगा। जो प्यार के लिए वो जिंदगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम से 1960s के टाइम का एरा क्यों आ गया, तो इसका रीजन ये है कि किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। तो अभी मैं जहाँ पर हूँ ये है इंडिया का सबसे पुराना कॉफी हाउस, एंड गेस व्हाट, इसका नाम क्या है? इंडियन कॉफी हाउस। 1957 में जवाहरलाल नेहरू ने जब इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की तैयारी और शुरुआत की थी, प्लान किया था, तो उनका एक आइडिया था कि कॉफ़ी से रिलेटेड कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होनी चाहिए। पूरे इंडिया में बस 6 इंडियन कॉफ़ी हाउसेज हैं और सबसे पुराना CP में छोटा। और जब तक मेरा ऑर्डर आता है तब तक यहाँ पहुँचने का रास्ता रिवोली के पास में मोहन सिंह पैलेस के 2nd floor पर जाके इंडियन कॉफ़ी हाउस। दीवारों पर लिखा है कृपया ना थूके, पर हाँ दीवार से थोड़ा दूर थूका हुआ था। तो मैं इनके पुराने वाले जोन में ही बैठा हूँ जो नॉन AC है। अभी उन्होंने नया AC वाला जोन भी खोल लिया है, बट मैं अंदर हो गया, वो इतना ज़्यादा, मतलब इतना AC भी कोई पावरफुल नहीं था। यहाँ पर वो हनुमान मंदिर, शिवाजी स्टेडियम, ये पूरा पीछे वाला CP एंड ऑल, रिवोली। शोर से भरे CP में ना अभी भी एक ये पुरानी जगह है जहाँ पर टाइम ऐसा रुका हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेवरेट जगह थी, 9 या 10 प्रधानमंत्रियों की फेवरेट जगह थी। 60s के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस जो इंडिया में हुए हैं उनकी स्ट्रेटजी यही बनी है। इधर अभी भी पुराने पंखे और यूनिफॉर्म है। तो
ये था इंडियन कॉफी हाउस। और बताऊँ, इंडिया की पॉलिटिक्स चाय वालों के हाथ में आने से पहले कॉफ़ी वालों के हाथ में थी। तो यार, इंडियन कॉफ़ी हाउस में बैठे बैठे टाइम का पता ही नहीं चला, तो मैं आ गया सीपी की नहीं, दिल्ली की सबसे पुरानी घड़ी के पास। सत्रह सौ चौबीस में राजा जयसिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था। उन्होंने बनवाई थी इन टोटल 5 जंतर मंतर। पहले इसे बनाया गया था एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट्स और सन और मून की पोजीशन वगैरह सब कुछ देखने के लिए, पर टाइम के साथ साथ लोगों ने बोला बस एस्ट्रोनॉमिकल है। अगर किसी को अगर टाइम देखना अच्छे से आता है ना सन की पोजीशन से जंतर मंतर पे, तो एक्चुअल घड़ी और इसके टाइम में बस 2 सेकंड का डिफरेंस आएगा, दैट्स इट। पहले ना जंतर मंतर के नीचे भी जा सकते थे, मैं खुद गया हूँ पहले उन सीढ़ियों पे ऊपर तक गया हूँ मैं, फिर बाद में कई लोगों ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया। दिल्ली वालों के जज्बे को भी सलाम है, हर ऊंची चीज़ देख के सुसाइड कर लेते हैं, हर खाली चीज़ देख के पनीर भर देते हैं। 21वीं सदी की बिल्डिंगों के बीच में 15वीं सदी का जंतर मंतर। याद आया कि अब से कुछ साल पहले ना, जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, तो मैं, बंटी, हिमांशु और मोहित, हमारे लोग यहाँ जंतर मंतर आते थे सुबह ऐसे ही खाली बैठने। तो हम ना, बंटी का फ़ोन होता था नोकिया 2600, बहुत भारी वाला, उससे कैचम कैच खेलते थे। बदला कुछ नहीं है, बट हाँ ये बदल गया कि अब जंतर मंतर में घासें बिछा दी हैं। पहले घास नहीं होती थी, लाल मिट्टी होती थी। वो जो कील है ना, उसकी परछाई जहाँ तक हम समझ जाओ यार, टाइम और पहर बताता था ऐसे। तो जंतर मंतर का क्लोजिंग टाइम है 6 बजे और इसकी टिकट आती है 25 रुपये की हो गई है। मैंने 30 रुपये दिए थे, उनके पास 5 रुपये चेंज नहीं थे, तो मुझे वो 5 रुपये क्लेम करने अपने वापस। 5 रुपये खुले नहीं थे, उन्होंने मुझे 10 रुपये दे दिया। थैंक यू। ये दीक्षा ने काम बढ़वा तो दिया है, कंप्लीट करने के लिए कारीगर बुलाया है। मिल के आते हैं, इन्हें चाय वाय पूछ लेता हूँ ना एक बार। भैया चाय वाय चाहिए कुछ? टाइम हुआ है 1:30 और मैं 2-3 घंटे सो गया आराम से, और अब जा रहे हैं घर वापस। अभी उठेगा, वो थका पड़ा होगा। है शुभ थक, ये थका हुआ है, क्या काम किया इसने तुम्हारे पीछे भागने के अलावा? और आज का वर्ल्ड या इमोशन अगर पूरे दिन को देखा जाए, भले ही वो 1957 का कैफे हो या सबसे पुरानी घड़ी, या फिर इतनी रात को अपने घर वापस जाना, 3 घंटे सोना, इन तीनों चीज़ में एक ही चीज़ कॉमन थी, वो थी टाइम। यूज़ योर टाइम वेल। एवरीवन गेट लाइक 24 आवर्स इन अ डे, और जैसे बोलते हैं ना, गया हुआ टाइम कोई वापस नहीं आता, सही बोलते हैं यार। और आने वाला टाइम के बारे में किसी को पता नहीं होता, तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना और अपना और सामने वाले का टाइम कभी वेस्ट मत करना। चल यार घर चलते हैं। बाय यार, कल के ब्लॉग में मिलते हैं। है कोई खबर सफर।